अस्सलाम वालेकुम। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम लोग कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी एपिसोड नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, जिसमें मिडवे कमर्शियल ए साइड की तरफ हम रवाना दम है। हेड ऑफिस बैरियर टाउन का नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे इस वक्त। मिडवे कमर्शियल बी और ए साइड दोनों हम लोग विज़िट करवाएंगे, साइड टूर लेंगे और इसमें बताएंगे। ग्राउंड फ्लोर पे इन्वेस्ट करने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है कि फ़र्स्ट फ्लोर से लेके 6 फ्लोर तक या इससे ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट का मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छे रेंटल रिटर्न के लिए और ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर पर छोटी शॉप्स हों या बड़ी शॉप्स हों, आप लोग इन शॉप्स को अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे 250, 300, 400 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट के शोरूम्स या छोटी दुकानें हैं। सम टाइम इसमें बेसमेंट साथ है और सम टाइम बेसमेंट साथ नहीं है। बैरियर टाउन हेड ऑफिस की ये पार्किंग बड़ी कशादा पार्किंग है और इसकी सराउंडिंग में हुई कंस्ट्रक्शन ये आपके सामने। लिबर्टी कमर्शियल की शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी और मिडवे कमर्शियल ए की शॉप्स भी आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो मिडवे कमर्शियल ए को कम वेटेज देते हैं या कम वैल्यू देते हैं कि यहाँ जो है मतलब प्लॉट्स की कीमत कम है या कम कीमत में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। लेकिन आप लोग इस वक्त अगर देखें कि मिडवे कमर्शियल ए साइड काफ़ी बार रौनक जगह आपको बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में जैसे दाखिल होते हैं तो ए साइड की तरफ बैरियर टाउन के हेड ऑफिस में दाखिल होने का रास्ता है। तो एंट्रेंस एग्ज़िट हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट की अपनी अहमियत खुद रखती है, तो ये चीज़ आप लाजमी देखिएगा। इसकी ये स्ट्रीट वन है, लेन वन कह लें या इसकी एंटर होते ही पहली गली या पहला रोड जो है वो ये वाला बनेगा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बारौनक और पॉपुलेटेड है। यहाँ पे हमारे पास कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलमेंट पर भी आ रहे हैं, जैसे हम खुद मार्केटिंग कर रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग की हैसियत से। तो इस लेन में वैसे तो बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक, लेकिन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल टीम लकी एसएसडी 1 के नाम से हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक है। आप लोग ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये 2 साइड ओपन बिल्डिंग है, 155-156 नंबर प्लॉट है लेन 1 का, और इसके मुताबिक मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। इसकी साइड टूर करवाने के लिए और ओवरऑल मिडवे ए का कॉन्सेप्ट पहले समझा दें कि यहाँ पे किस टाइप का बिजनेस या किस तरह के ऑफिस ओपन हो रहे हैं। ये लंगीजी रिवर वाली थोड़ी सी जगह है, ये भी मेंटेन होगी, यहाँ पे भी इसके करीब भी कमर्शियल प्लॉट्स बैरियर टाउन देगा। और ये देख लें आप, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन आए दिन हो रही है माशाल्लाह, और ऑफिस अच्छी खासी तादाद में यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ भी ग्राउंड फ्लोर पे फूड चेन, स्नोकर क्लब्स, सैलून और बुटीक्स वगैरह, इस तरह से डिफरेंट लोग यहाँ आके बिज़नेस एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि अभी बैरियर टाउन में अभी आज लोग इस चीज़ को बाय चॉइस लेते हैं कि हमें ए साइड पे जाना है या बी साइड में। लेकिन जब इन फ्यूचर आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल होंगी तो आपको मतलब ख़ुद सर्च करके इस पूरे कमर्शियल हब की एक जैसी अहमियत आपके सामने रहेगी, और आपने किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किसी भी ऑफिस में जाने के लिए आप जस्ट उस चीज़ को गूगल करेंगे, पिन करेंगे और आपने वहाँ पहुँचना है और अपना काम करना है। लेकिन यहाँ दिन ब दिन रौनक बढ़ती जा रही है। मिडवे कमर्शियल ए साइड पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ए साइड पे जितने भी कमर्शियल प्लाजाज बन रहे हैं या कमर्शियल ऑफिस बन रहे हैं, इसकी खूबी है कि ये बिल्डिंग्स 2 साइड ओपन है। ये एक बिल्डिंग की तरफ दिखाइएगा, ये वाली जो रेडी है, इसमें फ्रंट बैक पे बैक टू बैक बिल्डिंग्स नहीं है। इसमें पार्किंग बहुत अच्छी है, यानी फ्रंट पे और बैक पे दोनों साइड पे आपको पार्किंग की ऑप्शन मिल जाती है। तो लिहाजा इसको लाजमी कंसीडर कीजिएगा जब भी आप कमर्शियल शॉप्स में, ऑफिस में या दुकानों में इन्वेस्ट करने के लिए आएँ। फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ फर्दर वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह
आपके साथ गपशप करते हैं। थैंक यू सो मच।